चलो जी फिर। तो हम लोग पहुंच गए हैं अब नालडा, और नालडा से हम लोग अब यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा की शुरुआत तो नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा फिर से जो उदयपुर रोड है वहाँ से लिंक रोड जाएगा 14 किलोमीटर, और फिर हम पहुँचेंगे नैनघार। फिर नैनघार के बाद हमारी पैदल ट्रैकिंग शुरू होगी। तो कितना टाइम लगेगा सर? आपने उत्तराखंड से घंटा सवा घंटे का रास्ता होगा। तो गैस ये है अब लिंक रोड, जो ये नीचे वाला रोड गया उदयपुर, और बाकी ये लिंक रोड है अब नैनघार तक, जो मोरिंग से चोखांग और नैनघार देखिए संपर्क मार्ग, तो यहाँ से हम अब जाएंगे नैनघार तक। नमस्कार जी, डीएम साहब कैसे हैं? ठीक ठाक। बढ़िया सर, बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, क्या फिर आप आज आ रहे हैं हमें छोड़ने? और तो क्या पता कहीं आगे से नैनघार से प्रोग्राम बन जाएगा ऊपर का भी। हाँ कल सुबह, नहीं नहीं कल सुबह नहीं, आज हमने अलियास निकला है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, गपठप मारेंगे उनके साथ। जा सकते हैं आगे, नाला बढ़ता है उससे अलियास से थोड़ा आगे। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं वहाँ जाएंगे हम सुबह ही अलियास से। अलियास से आप ये बताओ आप सुबह कितने बजे निकले हम? अगर जल्दी वापस आना है। हाँ जी, तो फिर तो जल्दी निकलो जी। तो 5 बजे सुबह निकले तो ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ा मतलब रोशनी भी होनी चाहिए ना। सर अलियास से कितना टाइम लगता है? अलियास से तो कम लगेगा जी। आइडिया कितना है? 2 घंटा। और ठीक है, 1.5 घंटे का मतलब है 2.5 घंटे लगाएंगे हम आराम आराम से। ये देखिए बुहारी टेम्पल, माता बुहारी का मंदिर है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर भी जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, ये जड़ी बूटियों का पानी है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ से पानी भरेंगे। गाइस वो बोलते हैं ना पहाड़ों में अमृत, तो ये है वो अमृत। ये सर खाने का पानी पी के मजा आ गया। क्या हो तो गाइज, नीलकंठ महादेव जाने से पहले आपको यहाँ पर माथा टेकना ज़रूरी है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो अपनी गाड़ी व्हीकल जिसमें भी आप आएँ तो यहाँ पर आप व्हीकल को रोकें, और यहाँ पर माथा टेकने के बाद ही आप नीलकंठ महादेव की यात्रा शुरू करें। हर हर महादेव। मतलब पहले चोखंग 7 किलोमीटर, फिर उसके बाद चोखंग से नैनघार 7 किलोमीटर। हाँ जी सर। तो गाइस टोटल आपको 14 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा लिंक रोड में, और वहाँ से फिर आपको नैनघार से आपको जो है ट्रैकिंग करनी पड़ती है। वाह गाइस, खेत देखिए आप, आजकल गोभी लगाया, गोभी और आलू। लाहौल में ज़्यादातर गोभी और आलू की खेती की जाती है, गोभी आलू और मटर। ये मेरे ख्याल से नीचे मटर का तोड़ान कर रहे हैं ना, मटर मटर निकाल रहे हैं लोग। तो गाइस ये देखिए, ये है चोखांग गांव। तो ये मोरिंग जो मेन उदयपुर रोड है वहाँ से जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो जो 14 किलोमीटर का सफ़र है, तो 14 किलोमीटर के सफ़र में पहला जो गांव है ये है चोखांग गांव, जो लगभग 7 किलोमीटर के बाद आता है। बहुत सुंदर गाँव है चोखांग। गाइस अब ये जो जोन है ये टोटली यू नो आउट ऑफ नेटवर्क जोन है, ये नो सिग्नल जोन। तो यहाँ पे ना एयरटेल का नेटवर्क है, ना जियो का, और ना ही BSNL का। तो नीलकंठ महादेव अगर आप आ रहे हैं तो आप समझिए कि मेन रोड से 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कोई भी नेटवर्क नहीं होगा। अच्छा चोखांग नाला नीचे नीचे पहुँच गए, थ्रोट नाला हो जाता है फिर? हाँ जी सर। ऐसा तो नहीं कि थ्रोट नाला कहीं दूसरी साइड से निकलता है? और गाइस हमें डाउट था पिछले कल, मनीष जी कह रहे थे कि जो है हमें नीलकंठ जाते हुए थ्रोट नाला क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो थ्रोट नाला का वाटर वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा है कि उसे पार करना पॉसिबल नहीं है।
तो मैंने फिर मनीष जी को बताया कि थिरोड नाला जो अपर रीच होगा तो वहाँ पे, क्योंकि नीचे नीचे जाते जाते तो बहुत सी नदियाँ, छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी मिलती जाती हैं, तो पानी बढ़ता जाता है, तो मैंने बताया कि ऊपर तो पानी कम होगा तो वहाँ से हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं अपने शूज़ उतार कर। चलिए देखते हैं फिर आगे कहाँ से हमें इस नाला को क्रॉस करना पड़ेगा और कितना पानी होगा, वो एडवेंचर भी आपको हम दिखाएंगे। आज हमारी तीर्थ यात्रा है, बहुत एडवेंचर्स भी होने वाली है, देखते हैं क्या क्या एडवेंचर देखने को मिलता है। कौन सा ब्रिज है? चौकंग पुल। उम्मीद करते हैं जहाँ से हमें नदी को क्रॉस करना पड़े वहाँ पर पानी कम, बाकी देखते हैं। वी आर रेडी फॉर द एडवेंचर, क्योंकि महादेव की शरण में जा रहे हैं तो महादेव पे हमें पूरा विश्वास है कि हमें जो है वो कुछ नहीं होने देंगे। कौन सा गाँव? छोपलिंग। छोपलिंग क्या बोला? छोक सिंह। अच्छा छोक सिंह, वाह। तो गाइस एक और सुंदर सा ब्यूटीफुल छोटा सा गांव आ गया है, देखिए छोक सिंह। वो गाइस शायद आज एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि काफी लंबे समय बाद, क्यों ऑलमोस्ट मनीष जी आई थिंक कुछ 1.5-2 महीने बाद हम ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। चलिए अब बोलते हैं बोला महादेव, या तो बोले एक बार जाते हैं, तीन बार जाते हैं, अब देखते हैं कितनी बार दर्शन लिखे हैं। नहीं सर ये देखो अपने राज भाई, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर आप लोगों के साथ। 29 बार, क्या बात है। ओहो गाइस ये हमारे साथ जो सर बैठे हैं ये 29 बार मणिमहेश चले गए हैं। तो मणिमहेश आप गए कहाँ से? जो पैदल जो भ्रंग वाला 6 चक्कर में गए। अच्छा 6 चक्कर आप गए हैं। ओके 23 चक्कर आप मतलब बाय रोड और बाकी जो है 6 बार आप यहाँ से गए हैं। यहाँ से भी गाइस क्योंकि लाहौर से जो जोबरंग गांव है, जोबरंग रापे, तो वहाँ से ये ट्रैक जाता है आपका मणिमहेश के लिए। मन में मेरे भी विचार है कि कभी मणिमहेश की यात्रा भी करेंगे यहाँ से पैदल। देखते हैं मणिमहेश से कब आता है महादेव का बुलावा। फिलहाल अभी नीलकंठ महादेव चलते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर भी एक गांव है छोटा सा, गुआड़ी बोलते हैं उसे। तो वो देखिए जी ये है नैनघार गांव, लास्ट विलेज ऑफ दिस वैली। नैनघार में देखिए एक तो मुझे घर दिख रहा है बहुत ही सुंदर, सामने देखिए महल की तरह डिजाइन दिया है। ये देखिए मटर की खेती है यहाँ पे, ये खेतों में काम हो रहा है। तो ये देखिए गाइस ये है नैनघार। पानी क्रॉस करने के बाद जब आप एक ट्रैक पकड़ लेंगे ना फिर उसके बाद नहीं पता। मतलब वही है कि वो जो ट्रैक बता रहे हैं ना आप, जो बीच वाला पैच रहेगा जहाँ से हम भटक सकते हैं, पानी कितना कर होगा से तो थोड़ा वैसे मैं लग जाएगा आइडिया। नहीं नहीं वैसे तो लोगों का वो देखना कि ट्रैक देख लेना कि जहाँ से चले हुए ना लोगों का रास्ता ना उसको आपने रखना और क्या, और फिर साथ में पत्थर भी डाले होंगे के ऊपर, जो पत्थर रखे हैं पत्थरों के ऊपर पत्थर डाले। हां कैरन जो है। हां हां मैं वही कह रहा हूं, वो अगर टिक जाए मैं फिर कोई इशू नहीं है, फिर हम टनाटन निकल जाएंगे। हां सब ट्रैकिंग शुरू करेंगे बट उससे पहले भोजन करेंगे क्योंकि भोजन बहुत जरूरी है, बहुत लंबी ट्रैकिंग होने वाली और बैग्स हमारे काफी भारी हैं। थर्मस में हम चाय पैक करते हैं क्योंकि घर से नीलम ने परांठे दिए हैं बना के, परांठों के साथ फिर आगे रास्ते में चाय पीने का मजा आएगा। हाँ गाइज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो इस यात्रा के लिए, मज़ा आने वाला है। और मज़ा इसलिए आने वाला है गाइज, बिल्कुल दो ही लोग हैं हम, दो ही लोग, और ऐसा सुनने में आया है कि शायद आए तो थे, कितने लोग बोल रहे थे कुछ छोड़ने गए, कुछ शूलिंग से बता रहे थे कि शूलिंग से भी आए हैं। अब देखते हैं रास्ते में हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अलियास से जो आगे का ट्रैक बता रहे हैं आई थिंक कोई 1.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वहाँ पर थोड़ा सा भटकने का चांस है, बट हमें पूरी उम्मीद है महादेव ऐसा होने नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अपना कूड़ा अपने साथ, तो गाइस ये देखिए पहाड़ कूड़ा फैलाने के लिए नहीं होते हैं। यहाँ पर नीलकंठ ढाबा है तो आप यहाँ पर आके यहाँ से आप यहाँ पर लंच कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और यहाँ से कुछ अपने साथ आप डाल के ले जा सकते हैं। और यहाँ देखिए आप, तो गाइस जो ये पोस्टर्स हैं तो ऐसा नहीं है कि जस्ट इनको आप पढ़ें, पढ़ने के बाद इसको इम्प्लीमेंट भी करें, जो जो इसमें लिखा हुआ है तो उसका आप विशेष ध्यान दें क्योंकि धार्मिक स्थल है। तो
तो वैसे ये है नीलकंठ ढाबा, तो यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ, और यहाँ पर ठहरने की सुविधा भी है। तो यदि आप नीलकंठ महादेव का ट्रैक करना चाहते हैं और यदि आप शाम को यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। 8-9 किलो तो हो ही गया है। तो चलिए गाइस, हम लोग हो गए पैकअप, तो फाइनली अब हमारी ट्रैकिंग शुरू होने वाली है। देखिए मनीष जी पैक हो गए हैं पूरी तरह से। तो देखिए हमारे सर जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया, हमें नैनघार तक छोड़ा। तो राजीव सर से हमारी मुलाकात हुई यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पे पुलाव खाया, बढ़िया मटर वाला मज़ा आ गया। तो अब यहाँ से इन लोगों का साथ हमारे साथ नहीं है, अब हमें अकेले, बट इनकी बेस्ट विशेज़ हमारे साथ हैं। तो कल इनको फिर हम इसी जगह फिर से मिलेंगे। चलिए तो फिर हम अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, मिलते हैं बाकी कल। ओके जी, ओके। तो गाइज फाइनली हम लोग चल पड़े हैं फिर, दिल में खुशियां भरकर, उमंग हंसी है मनीष जी। गाइज सीरियसली कहो ना, आज मुझे फीलिंग आ रही है कि भाई मैं ट्रैकर हूँ। ये देखिए, दो बैग और बैग का वजन मैं कहूँ तो कम से कम मिनिमम मेरे पास 11-12 किलो तो पीठ में ही है। हाथ में टेंट हाथ में डाला है, मनीष जी का अपना बैग पैक है, और ये जो मैट है, मैट के अंदर ऑलरेडी हम जो है लकड़ी पैक करके डाली हुई है, तो कम से कम 4-5 किलो तो लकड़ी का वजन है। तो हम दोनों लद गए हैं पूरी तरह, यू नो, पावरफुल हॉर्स की तरह। देखिए वाह गाइस, मज़ा आने वाला है। और मौसम का मिजाज थोड़ा सा, मौसम लगता है हमसे थोड़ा सा भी रुष्ट है। बादल है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बिल्कुल हल्की, बट हाँ महादेव के शरण में जा रहे हैं तो हमें बूंदाबांदी भी स्वीकार है। और हमें पूरी उम्मीद है महादेव पूरी यात्रा में हमारा अच्छे से साथ देंगे और मौसम अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बड़े समय बाद आज यू नो खुशी है कि नॉर्मल घूमना फिरना चलता है, बट उत्तरा की ट्रैकिंग का जो है, काफ़ी समय बाद ट्रैकिंग का समय लगा है और ट्रैकिंग भी कर रहे हैं हम नीलकंठ महादेव। तो गाइस व्लॉग को आप एंड तक देखिएगा। तो व्लॉग में फर्स्ट फेज हमारा इस ट्रैकिंग का रहेगा, नैनघार से अलियास तक का। तो आज हम अलियास में स्टे करेंगे। अलियास एक जगह होती है जहाँ पे गद्दी लोग जो भेड़ बकरियाँ चलाते हैं उनका जहाँ पे विश्राम स्थल रहता है, कि जैसे दिन भर वो अपनी भेड़ बकरियों को चलाते हैं और शाम के टाइम जहाँ वो रुकते हैं उसे कहते हैं अलियास। और वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, गोट। हाँ, तो पांगी में उसी अलियास को गोट कहते हैं। तो लाहौल में सभी जगह ट्रैकिंग करते हुए अलियास मिलेंगे आपको। तो आज हम भी उसी तरह जो अलियास आता है एक अलियास, तो फर्स्ट अलियास में हम रुकेंगे। वहाँ पर रुक कर सुबह हम अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM का हमने प्लान किया है, 5 बजे हम अपनी आगे की जो तीर्थ यात्रा है, ट्रैकिंग है, वो हम स्टार्ट कर लेंगे। एंड कोशिश रहेगी कि 8:30 या 9:15 तक हम नीलकंठ झील पहुँच जाए, क्योंकि सुनने में ये आया कि अगर मौसम, आज तो मौसम बादल है, अभी तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, अगर मौसम बादल हो जाता है या फिर तेज़ धूप लग जाती है तो तेज़ धूप पे क्या होता है, वहाँ पे एक नाला है, उस नाले का जलस्तर बढ़ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर लेट जाते हैं और बाद में धूप लग गई तो जलस्तर बढ़ सकता है, जिस कारण फिर हम उस नाले को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सो हम चाह रहे हैं कि सुबह जल्दी जाके हम दर्शन करके अपना टाइमली हम वापस हो जाएं, ताकि जो इस तरह के यदि तो मौसम ऐसा रहता है कि बादल है तब तो हम आराम से आएंगे, लेकिन अगर लगा कि मौसम साफ है तो उस समय फिर उस नाले का जो पानी है वो बढ़ सकता है, तब हम फिर टाइमली निकल जाएंगे। हाँ गाइस सीरियसली इट्स जस्ट अमेजिंग। और बहुत समय से मन था इस यात्रा को करने का, ऑलमोस्ट हम लोग 2021 से मनीष जी और मैं प्लान कर रहे हैं ये यात्रा,
कि हमने नीलकंठ महादेव जाना है, बट बहुत से लोगों से सुना भी था कि जब तक महादेव का खुद बुलावा नहीं आएगा तो तब तक आप नहीं जा पाएंगे। और हुआ ऐसा, 2021 से हम लोग प्लान कर रहे हैं, आज 2023 लग चुका है, तो 2023 में भी ऑलमोस्ट 2023 भी आधा साल निकल गया है। तो अब जाके जुलाई मंथ में हमें मौका मिला कि महादेव का बुलावा आ गया हमें, और ये भी ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, पिछले कल मनीष जी को मैंने कहा कि आजकल मौसम अच्छा है तो, और मैंने पता किया कि नीलकंठ महादेव की यात्रा भी शुरू हो गई है, तो चलते हैं। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि प्री प्लानिंग की हम लोगों ने आज के दिन यहाँ से जो है नीलकंठ की ट्रैकिंग हम शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑल ऑफ सडन पिछले कल जो है प्लान बना, और विद इन यू नो 1 आवर हमने जो है डिसाइड कर लिया कि हम कल जा रहे हैं, और उसके बाद चीज़ें हमारे साथ वैसे ही होती रही, सब कुछ पॉजिटिव। हम लोगों ने यहाँ पे कांटेक्ट किया लोगों से कि नैनघार से कैसा है ट्रैक और जा सकते हैं आजकल, कैसा मौसम, ये सब, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। और आज हम बस में आपका केलोंग से आए मोरिंग तक, मोरिंग से फिर हमने गाड़ी में सफ़र किया 14 किलोमीटर का नैनघार तक, और नैनघार में भी प्रॉपर जो हमारे राजीव सर हैं तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से सब कुछ हमने वहाँ से सामान वगैरह डाला खाने पीने का, और वहाँ पर लंच भी किया। तो बस अब जर्नी शुरू हो गई है, ज़्यादा ना बोलते हुए अब आपको थोड़ा वादियाँ दिखाते हैं और आप वादियों का लुत्फ उठाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताना ब्लॉग कैसे लगा। और हाँ, मुझे यू नो कमेंट में बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि इसी के भाई आप कब जा रहे हैं ट्रैकिंग में, बड़ा टाइम हो गया ब्लॉग नहीं आ रहा है आपका, तो हमें आपकी ट्रैकिंग देखनी है। तो गाइज माई यूट्यूब फैमिली, तो आज मैं कहना चाहूँगा कि आज मैं ट्रैकिंग पर हम लोग फिर से निकल चुके हैं। गाइज एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ कि मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है कि जो मुझे कहे कि आप भाई आपका ब्लॉग कब आ रहा है, बट जस्ट मैं ये फीलिंग ले रहा था कि मुझे कब ऐसा बोलने का मौका मिलेगा कि यस कि हम आपके ब्लॉग दिखते हैं और आपकी आप ट्रैकिंग करते रहते हैं, तब आपकी नेक्स्ट ट्रैकिंग हो रही है, उम्मीद करते हैं जल्द ऐसा होगा। तो इसलिए गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो गाइस ये है सेकंड स्ट्रीम, एक स्ट्रीम आपने नीचे देखी छोटी सी, एक स्ट्रीम ये है महादेव, वो महादेव सारे सारम मुजगेंद्र हारम सदा बसंतम विद्यार विंद भवम भवानी हम लोग अभी
तकरीबन आई थिंक 3-3.5 किलोमीटर को हमने चल लिया है, बट अभी तक हम कंटिन्यूसली चले ही हैं, अभी तक हमारे कदम थमे नहीं है। शुद्धाया दिगंबराया कसमे नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाया कसमांग रगाया माहेश्वराय नित्या शुद्धाया दिगंबराया। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कैरन है, देखिए। तो ये जो है एक इंडिकेशन होता है कि आप जो है सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। तो जहाँ भी आपको इस तरह के कैरन मिले तो समझिए कि आप उसी ट्रैक पे जा रहे हैं जिस पे आप जो आपका एक्चुअल में ट्रैक है। तो यहाँ से आगे जो अलियास बोलते हैं वो कहाँ से आएगा? अच्छा, और है यहाँ से पार पास निकलेंगे ऊपर, है ना? वो आदमी खड़ा है पार। हरे हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा प्रसन्तम हृदयार विन्द भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा प्रसन्नतम हृदयार विन्द भवम भवानी सहितम। थोड़ा सा हेक्टिक था क्योंकि वहाँ से पहले नीचे उतरना पड़ा और वहाँ पे खड्ड में, और खड्ड से फिर हम ऊपर आए। पर नज़ारा देखिए, व्यू देखिए, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। अच्छा हो रहा है और मौसम देखिए, अब मौसम अपने रंग कैसे बदल रहा है। बीच में साफ हो जाता है, हल्की हल्की बारिश लगी है और धुंध देखिए आप, वाह बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए गाइस, थोड़ा सा स्लाइडिंग एरिया देखिए, बारिश से स्लाइड हुआ है। गेम, हाँ शुक्र है कैप ले आए हैं, और मैं तो ये राउंड हैट भी मैंने बैग में डाल के रखी है, बट उतनी बारिश नहीं है। ठीक है, हम कंफर्टेबल। हाँ मगर सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है, बारिश देखिए आप, पूरा विंड सीधा मेरा गीला हो गया देख लीजिए, बट वी आर इन्जॉइंग। धुंध है गाइस, धुंध पूरी तरह से धुंध है, देखिए कुछ भी नहीं, आई थिंक 50 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, हर हर महादेव, आई एम सो हैप्पी। मतलब एक तरह का ये होता ना कि पहाड़ों में ना, पर मेरे लिए तो सच में ही एक हीलिंग है, ऐसे पहाड़ों में आकर तीर्थ यात्रा ट्रैकिंग करने के बाद ना
तब से ना रिफ्रेश हो जाते हैं, सब टेंशन दूर, यू नो हैप्पीनेस एक अलग से, मतलब अंदर से एक ऐसी खुशी महसूस होती है, यू नो शायद उसका एहसास शायद मैं ही कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी जब वो एहसास होगा, क्योंकि वो एक ऐसा एहसास है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वैसा ही मेरे लिए है पहाड़ों में घूमना। आई लव माउंटेन। कितनी दूर बढ़िया, देखो यहाँ इतना फॉग है, मनीष जी आगे चले गए, मुझे दिख नहीं रहे कहाँ गए, वो देखिए अब नज़र आ रहे हो। तो गाइस महादेव का चमत्कार देखिए, अभी दो मिनट के लिए इतनी ज़ोर से बारिश हुई, हमने छाते खोल दिए, बट अब एकदम से धुंध पूरी साफ हो। गाइस यहाँ देखिए आप चूरू, ओ माय गॉड, ये फोटो में इतना, वीडियो में इतना छोटा दिख रहा है, गाइस ये बहुत बड़ा है, और सींग तीखे तीखे, व्लॉग के चक्कर में कहीं भैया सींग मार दिए ना तो हो गया कमाल। गाइस चूरू ने हमारा रास्ता रोक दिया, रोक तो नहीं कह सकते, बट हम सोच रहे हैं कि इससे पहले कुछ और हो तो हम अपनी दिशा बदल देते हैं। हमारे छाते खुल गए हैं देखिए,